व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज, अभी शुरुआत कैसे करूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, मतलब कोरोना वायरस को लेके इस वक्त हालात क्या है। अगर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, तो ओवरऑल जो है ना, कम से कम 5.5 लाख, तकरीबन 5 लाख के करीब जो है ना, वो कोरोना वायरस से लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें से 24,000 लोग जो है ना, वो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वीडियो बनाने तक का रेशो है, आप पता नहीं कब देख रहे हो, उसके बाद में शायद ये रेशो बढ़ा भी होगा। और वर्ल्ड वाइड की तो बात ही छोड़ दो, आप अपनी कंट्री को ही देख लो, मतलब हमारा जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पर ही देख लो कि क्या सिचुएशन है। मतलब पहले लॉकडाउन चला, फिर बीच में एक दिन जनता कर्फ्यू, फिर अब जो है ना वो कंटिन्यूसली लॉकडाउन है, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया। मतलब मेरा भी सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, मैं भी जो है ना माशाल्लाह 1-2 हफ्ते से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है लोगों को, और लॉकडाउन की वजह से जो लोग हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि खाने की चीज़ें बढ़ गई हैं। सैनिटाइज़र और मास्क, जिनको कोई पूछता नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि पहले ये बीमारी नहीं थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, सैनिटाइज़र को कोई पूछता नहीं था, 40-50-60 रुपये में सैनिटाइज़र मिलते थे, 250-300 रुपये सैनिटाइज़र हो गए हैं। मतलब बहरहाल ये सब बातें हैं और ये सब सिचुएशंस हुई है एक कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन कुछ चू लोग ऐसे हैं अभी भी, मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अल्फाज एक्चुअली चैनल पे यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बस फेम चाहिए रहता है, बस किसी भी तरीके से जो है ना वो हमको फेम मिल जाना चाहिए। अब पूरा किस्सा क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में दोस्तों अपना ओपिनियन सामने रखेंगे। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और फॉर्चुनेटली वो इंडिया की नहीं है, जिसका नाम एवा से स्टार्ट होता है, मुझे एवा लुइजी करके कुछ नाम है उसका। उसने जो है ना टिकटॉक चैलेंज निकाला है, और ये ऑब्वियसली टिकटॉक तो आपको मालूम ही है, मैंने तो इससे पहले भी वीडियो बनाई थी एक, और मैंने उसमें कहा था बाकायदा कि कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी जो है ना वो टिकटॉक की बीमारी है। तो उसने टिकटॉक का एक चैलेंज निकाल दिया, टिकटॉक के चैलेंज में उसने क्या निकाला कि फ्लाइट के टॉयलेट में गई, और उसके बाद में वहाँ पर उसने वीडियो निकाला और टॉयलेट को अपनी ज़बान से लिख किया, टॉयलेट को अपनी ज़बान से चाटा, और दिखाया कि भाई ये एक कोरोना वायरस का चैलेंज है। मतलब कोरोना वायरस भी जो ना दूर खड़े के बोल रहा होगा कि यार हद है, हमारा भी मजाक बना के रख दिया। मतलब कोरोना वायरस एक बीमारी है, और इन जैसे कुछ लोगों ने कोरोना वायरस को चैलेंज बना दिया, चाट के उसको, कभी देखो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और ये कोरोना वायरस चैलेंज है। अब ये सब जो उसने किया था वो किया था एक फेम के लिए, फेम पाने के लिए, और ऑब्वियसली उसको थोड़े टाइम का फेम तो मिल ही गया, साथ में उसको कुछ पैसे भी जो है ना वो इनाम मिले। ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से सबसे पहले बंद करके रखना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हो ये आप लोग ज़रूर बताना। अब उसका रीज़न क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो चीज़ वो करते हैं उनके अक्सर फॉलोअर्स जो है ना उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और इस केस में भी वही हुआ। उसका कोई तो एक फॉलोअर होगा, वो भी इनफैक्ट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही था, लेकिन ऑब्वियसली इंसान को जो है ना वो कामयाबी हजम नहीं होती, क्योंकि जब वो एक स्टेज पे जाता है उसको चाहिए कि मुझे और कामयाबी मिले, फिर और मिले तो फिर सोचता है और मिले, ऐसे करते करते उसका कभी एंड नहीं होता। लार्स करके जस्तों कोई तो बंदा था, इन्फ्लुएंसर था, उसने भी जो है ना इस चीज़ को ट्राई किया, वो चला गया सीधा पब्लिक टॉयलेट में, और पब्लिक टॉयलेट में जाने के बाद में उसने पब्लिक टॉयलेट को लिख के और उसका वीडियो बनाया। अब उसके बाद में तो उससे सिचुएशन ये हो गई कि वो बंदा हो गया बीमार, एक हफ्ते तक पड़ा रहा, और उसके बाद में फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल से जो है ना रिपोर्ट आई कि इस बंदे को कोरोना वायरस हो गया है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये सुनने के बाद में आपको उसके लिए अफसोस हो रहा है, ऑब्वियसली किसको अफसोस होगा, क्योंकि ये तो वो हिसाब है आ बैल मुझे मार, सिर्फ एक छोटे से फेम के लिए। यही नहीं, आप कितने दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, फिजिकली तो वो बंदा दूसरों को ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएगा ही, क्योंकि जब तक उसको कोरोना था तब तक कुछ जिससे मिला होगा शायद उसको भी इन्फेक्ट हुआ होगा, और उसके बाद में वो ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए से किन किन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में दोस्तों उसने क्या करा, अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे अपने फॉलोअर्स को इन्फॉर्म किया पोस्ट के जरिए से कि उसको कोरोना वायरस हो गया है, मतलब वो टेस्ट में पॉजिटिव आया है कोरोना वायरस के। बाद में दोस्तों ये हुआ कि उसके अक्सर फॉलोअर्स ने उसको बोला कि भाई तू नाटक कर रहा है, तू मजाक कर रहा है, तू अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, तू ये करने के लिए कर रहा है, तू वो करने के लिए कर रहा है, मतलब किसी ने भी जो ना दोस्तों उसकी बात को माना नहीं, अक्सर लोगों ने उसकी बात को माना नहीं, और वो जो है ना दोस्तों एक नेगेटिव वे में बात चली गई, और यहाँ पर इंस्टाग्राम ने उस बंदे का अकाउंट भी डिसेबल कर दिया। इससे देखिए अभी दोस्तों दो बातें हुई, सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी कि तुमने एक को फॉलो किया, सेम चीज़ रिपीट करी जो उसने की थी, और ऑब्वियसली अपनी जान खराब करके तो तुम बैठ ही गए हो, जिंदगी के ऊपर बात आ गई है। जो दूसरी चीज़ हुई थी, तुमने फेम के लिए ये सब किया था, और ऑब्वियसली वो फेम ही अब तुम्हारे पास में नहीं रहा, इनफैक्ट
तुम भरना चाह रहे थे फेम में और ज़्यादा, लेकिन जो था अब वो भी नहीं रहा क्योंकि इंस्टाग्राम ने अकाउंट ही डिसेबल कर दिया। तो गाइस ये चीज़ होती है, सोशल मीडिया जो है ना वो अच्छी भी है और ऑब्वियसली बहुत बुरी भी है। डिपेंड करता है दोस्तों कि आप क्या एक्ट करते हो सोशल मीडिया के ऊपर। आप अच्छी चीज़ फैला रहे हो तो आपके लिए अच्छी है, अगर आप गलत चीज़, फेक चीज़, झूठी चीज़ फैला रहे हो तो आपके लिए बुरी है। अब दोस्तों उसने जो किया था, एवा ने टेस्ट किया था, उसका नसीब अच्छा था कि भाई वो अपने नसीब में जो है ना कामयाब हो गए, उसका लक अच्छा था, लेकिन आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जो भी देख रहे हो, जिस किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो वो करेगा या जो वो करेगी उसको आप सामने से फॉलो करोगे, क्योंकि उनके लिए शायद उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन आपकी ज़िंदगी ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको हर एक चीज़ को फॉलो नहीं करना है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मतलब कुछ ऐसे बेकार के वाहियात से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि इन्फ्लुएंसर्स का मतलब होता है सामने वाले को अपने आप से इन्फ्लुएंस करना। तो आप इन्फ्लुएंस कराओगे अच्छी चीज़ों को लेके, ना कि गलत चीज़ों को लेके, ना ये सब चीज़ें बोल के। जब भी एक इंसान अपने फॉलोअर्स को कुछ दिखाने की कोशिश करता है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है फॉलोअर्स के ऊपर। इसलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो उनके ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब दोस्तों ये कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकी। जब एक इंटरव्यू में डॉक्टर फिल ने एक लड़की से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने सबसे पहली चीज़ तो ये कही कि इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो जाके टॉयलेट भी चाटी तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। अरे तो भाई वो तुझे नहीं हुआ ना, लेकिन तेरे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, दूसरे इंसान को तो हो गया ना। तो अगर तुझे कोई चीज़ नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और यहाँ पर जो है ना वो गवर्नमेंट है, जो इतने लोग हैं वो पागल है जो बोल रहे हैं हाथ धो, मुंह धो, साफ रहो, घर के अंदर रहो, मतलब ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं सब पागल है, दिमाग ख़राब हो गया उनका, चकरा गए वो लोग। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो डॉक्टर फिल ने पूछा इस लड़की को, कि अगर मान लो तुमको इन्फेक्शन हो जाता और तुम्हारे ज़रिए से किसी दूसरे को ये इन्फेक्शन लग जाता, तो क्या ये वर्थ था तुम्हारे फेम के लिए, मतलब जो तुमने फेम पाने के लिए इतना सब किया, क्या ये वर्थ था? तो बाकायदा उस लड़की ने बोला कि हाँ भाई ये वर्थ था, मुझे इससे कोई परवाह नहीं होती, मुझे मेरी फेम की पड़ी है। तो गाइज मैं तो सबसे पहले बोलूँगा ऐसे फॉलोअर्स को कि जिस इंसान के पास में दिल नहीं है, जिस इंसान को एक फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं है कि दूसरे को कोई तकलीफ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम होगी मेरी उसके वजह से, क्लियरली बोल रही है कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मेरी वजह से किसी दूसरे को इन्फेक्शन लग जाए, तो ऐसे इंसान को फॉलो करके क्या मतलब है? किस बेस के ऊपर ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं? गाइज ऐसे इन्फ्लुएंसर से जो है ना वो बच के रहिए। ऐसे जो सब फालतू के नाटक करते हैं लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते, लोग खाली जो है ना बंदर होते, बंदर तमाशा करने वाले बंदर होते। तो इन लोगों से ज़रा बच के रहिए, और ये सब अहमकाना और बेवकूफ़ वाले जो एक्ट है ना ये सब मत करना बिल्कुल भी। और मैं बात करूँगा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो फालतू का झूठ बोलते हैं, फेक चीज़ें करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे जो फेक चीज़ें करते हैं अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए, मतलब कुछ छोटा सा फेम पाने के लिए, तो वो ये सब नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो ब्लाइंडली जो है ना उसके फॉलोअर्स कर रहे हैं, तो इस चीज़ का जो है ना इंसान को ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस मेरा वीडियो यहीं तक था, थोड़ा टॉपिक से हट के अलग से वीडियो था, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छी वीडियो है, एक अवेयरनेस वाली वीडियो है, तो मुझे आपको ज़रूर से ये चीज़ बतानी चाहिए। आपके क्या सुझाव, क्या कमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली कमेंट कॉलम आपके लिए खुला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, पसीना आ रहा है, और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।